जय हो सूर्य पुत्र शनि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को 9 ग्रह प्रभावित करते हैं। उनमें से एक ग्रह शनि भी है। उन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। माना जाता है कि शनि देव की कृपा से भिखारी भी राजा बन जाते हैं और अगर उनकी कुदृष्टि पड़ जाए तो बड़े बड़े राजाओं को भी रंक बनने में देर नहीं लगती। इसे ही शनि देव का न्याय कहते हैं। वास्तव में तो ये सब व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल है जो शनि देव के न्याय के रूप में उसे भोगना पड़ता है। अगर आपके ऊपर शनि देव का न्याय आपके लिए प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न कर रहा है और आप आसानी से अपने समय को भोगना चाहते तो कुछ उपाय जरूर करें। शनि देव को प्रसन्न करें, उनसे डरे नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं। यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया 7.5 या महादशा चल रही है तो आप अपने फलों को भोगने के लिए तैयार हो जाएं। पहला उपाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सुनने में जितना आसान है उतना ही प्रभावशाली। भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत शुभ होता है। वैसे तो अगर आप हर रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा है। यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो प्रत्येक सोमवार को समय जरूर निकालें, भोलेनाथ की शरण में जरूर जाएं, मंदिर जाते हुए कुछ भेंट अर्पित करने के लिए अवश्य ले जाएं। स्थान काल परिस्थिति के अनुसार ऋतु फल शहद काले तिल पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि शनि देव को रावण ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। रामायण के सुंदर कांड प्रसंग में जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे उस समय बजरंग बली ने शनि देव को रावण की कैद से छुड़ाया था, जिससे हनुमान जी की उपासना करने वालों लोगों को शनि देव अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से आपके ऊपर आई हुई विपदाओं से बचाते हैं। इसके लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना के लिए आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं और अगर आप सक्षम हैं तो महीने में कम से कम एक बार हनुमान जी को अपने हाथों से चोला जरूर चढ़ाएं। आप अपने जीवन में अद्वितीय शक्ति का संचार होता हुआ महसूस करेंगे और अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। चींटियों पर शनि देव का आधिपत्य माना गया है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि चींटियों को आटा खिलाना एक पूरे गांव को खाना खिलाने के बराबर है। आपको करना क्या है? चींटियों के लिए भुने हुए आटे में चीनी और थोड़े से काले तिल मिला लें। अब हर रोज आप चींटियों को ये खाना जरूर दें। इससे आसान तरीके से पुण्य कमाना और शनि देव की कृपा का पात्र बनना संभव नहीं। साथ ही साथ यदि आप शनि देव का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः इसका जप करते रहें तो अत्यंत लाभदायक है। शनिवार के दिन एक आटे का चौमुखी दिया बनाएं और उसमें आंवले बादाम सरसों तिल और चमेली के तेल को बराबर मात्रा में डालकर संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। तेल चढ़ाते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जप करते रहें। शनि देव की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने लगेगा और जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हों। कर्मों के अनुसार फल देने वाले शनि देव को आप अपने कर्मों से प्रसन्न करें। कुत्तों को भोजन दें। कुत्ते को भोजन कराने से आपके कष्ट दूर होंगे एवं एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में जुट जाएंगे। किसी भी रंग जाति या लिंग के कुत्ते को आप भोजन करा सकते हैं।